आइए आज आपको फैसलाबाद के वाहद चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ पार्क की सैर करवाते हैं। फैसलाबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर शेखुपुरा रोड पर गटवाला पार्क के नज़दीक शहर का वहद वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग पार्क वाकिया है। ये पार्क वफाकी हुकूमत की जानिब से 1995 में बनाया गया था और इब्तदाई तौर पर इसका मकसद सिर्फ मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल करना था, लेकिन बाद अज़ां इसमें मजीद जानवरों का इजाफा भी कर दिया गया। इस वक्त 5 मगरमच्छ, 100 मोर, मुख्तलिफ नस्लों के 60 हिरन, 21 मफलन शीप, 2 दर्जन के करीब कबूतर और दीगर परिंदे मौजूद हैं। जंगली हयात से आगाही के लिए पार्क में शहरियों को सैर व तफरी की इजाज़त दी गई है और कोई भी शहरी दिन के औकात में यहाँ आ सकता है। ताहम पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पार्क की देखभाल के लिए अमले की भी कमी है। जानवरों के इलाज के लिए कोई वेटनरी डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसके बाद इनकी सेहत और जान को खतरात लाहक हैं। डॉक्टर ना होने के बायस 4 रोज कबल पार्क में मौजूद वाहद उल्लू तवील अरसे तक बीमार रहने के बाद आँखों की बीमारी की वजह से दम तोड़ गया। इतने बड़े पार्क के लिए सिर्फ 16 अफराद का अमला मुख्तस है। वेटनरी डॉक्टर के अलावा डिस्पेंसर, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 गेट कीपर की भी कमी है। मगरमच्छों की अफजाइश के हवाले से किए जाने वाले सवाल पर अमले ने कहा कि पार्क में इस मकसद के लिए 11 शेड्स मौजूद हैं, लेकिन कम तादाद के बाद सिर्फ 3 शेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल के लिए हमने अपने तौर पर तमाम तर जरूरी इकदाम कर रखे हैं। मोरों और कबूतरों के पिंजरों का जिक्र किया जाए तो वो भी काफी खस्ता हाल हो चुके हैं, जबकि इनकी छतों की हालत भी काफी बुसीदा है। हुकूमत की जानिब से पार्क को सालाना 20 लाख रुपए का बजट जारी किया जाता है। ताहम सारा अमला महदूद वसाइल के बावजूद दिन रात जंगली हयात की देखभाल और अफजाइश के लिए काम कर रहा है। वाइल्ड लाइफ पार्क के क्याम कावलीन मकसद मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल करना था। तवील अरसे से यहाँ सिर्फ 5 मगरमच्छ मौजूद थे, जिसमें ब्रीडिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार था, जिसके बाद 2014 में 8 मगरमच्छ नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से यहाँ लाए गए थे। ताहम मौसमी तब्दीलियों के बाद इनमें से कुछ की अमवात हो चुकी हैं। इस वाक्य के बाद नए लाए जाने वाले मगरमच्छों को इस्लामाबाद भिजवा दिया गया और फिलवक सेंटर में सिर्फ 5 मगरमच्छ मौजूद हैं, जिनमें 1 जोड़ा, 2 मादा मगरमच्छ शामिल हैं। गुज़िश्ता साल जोड़े के लिए अलग से तालाब बनाया गया था, जहां मादा ने अंडे देते हुए कुदरती तरीके से इन्हें जमीन में मट्टी के नीचे दुबा दिया। जानवरों को मुकम्मल कुदरती माहौल और मुनासिब खुराक फराहम की जा रही है। मगरमच्छों के रहने के लिए जमीन खोदकर गहरे पानी की दलदल बनाई गई है, जबकि दीगर जानवरों को भी इनके माहौल के मुताबिक रखा गया है। परिंदों को बतौर खुराक बाजरा और सूखी रोटियां पानी में भिगोकर दी जाती हैं, जबकि भैंसों और हिरणों को चारा डाला जाता है। ताहम मगरमच्छ गोश्तखोर जानवर हैं, इसलिए इन्हें रोजाना 3 किलो गोश्त खाने को दिया जाता है, जबकि नागे के दिनों में इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। अमले का कहना है मगरमच्छ के मैदे में इतनी जगह होती है कि वो खुराक को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए गोश्त के 2 दिन के नागे में इन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका मजीद कहना था कि खतरनाक जानवर होने के सबब मगरमच्छों को इनके तालाब से नहीं निकाला जाता। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग पार्क में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं, जिन्हें देखकर बच्चे खुश होते हैं और इनके बारे में मालूमात की ख्वाहिशमंद रहते हैं।